अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? तो अच्छा, आज की वीडियो में हम गेम प्ले करेंगे जी यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 गेम का। ठीक है, इसमें मैंने वैसे डिफ़ॉल्ट तो इसमें ट्रक्स होते हैं, लेकिन मैंने इसमें बस इंस्टॉल की है। ठीक है, तो बस भी आपको चेक करवाता हूँ। तो आज हम इसका गेम प्ले करेंगे। अपना हमने वे पॉइंट सेट कर लिया। ठीक है, पहले हम चलेंगे अपना एक फ्यूल पम्प पर स्टे करेंगे। ठीक है, वहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे जी अपने जो अपना होम है वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ और अपना जो है वीडियो हमारी जितनी हम शूट कर सके उतनी वीडियो को हम शूट करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जी, तो गाड़ी भाई थोड़ी सी ना हमारी ज़रा इंजन इसका आई थिंक डिस्टर्ब कर रहा है। चलें जी, चल पड़ी है जी हमारी बस। तो आपको पिछली वीडियो मैंने इंस्टॉल करवाया था जी पूनो पैरो मैप। ठीक है, तो ये उसी मैप में मैं आज कर रहा हूँ जी अपना गेम प्ले। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रैफिक है वो जाम हो चुकी है बिल्कुल ही। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो इन्हें गुजरने देते हैं जो हमारे साथ वाली गाड़ियाँ आई हैं। तो चलें जी, अब हम अपनी बस को यहाँ से क्रॉस करते हैं। बिल्कुल एक यार रियल फील आती है गाड़ी चलाते वक्त। ठीक है, ये तो आई थिंक फोर्ज़ा होराइज़न 5 से भी यकीन माने मेरे मुताबिक यानी कि ज़्यादा मुझे अच्छी इसकी ड्राइविंग लगती है। ठीक है, उसमें ये कि कार्स होती हैं, लेकिन इसमें एक आपको बस का भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और सेकेंडली गाड़ियाँ भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉर्चुनर, रेंज रोवर, जो भी आपकी पसंद की गाड़ी है वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो इसकी ट्रांसमिशन है वो फ़िलहाल तो मैंने 6th गियर वाली की है। ठीक है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ट्रक्स की होती है ना वो तो आपको पता है कि 12 वाली होती है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें भाई 6th गियर वाली फ़िलहाल इंस्टॉल की है, वो इसी वजह से ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो यार, क्योंकि जो इसके हैं ना 12 गियर वाली ट्रांसमिशन है ना जो, वो काफ़ी इशू आता है, क्योंकि हमारे पास जो शिफ्टर है वही हमारा 6th गियर वाला, तो फिर 12 के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको यानी कि वो शिफ्टर को भी आपको शिफ्ट करना पड़ता है जब आपके 6 गियर फर्स्ट 6 गियर आपके कम्प्लीट हो जाते हैं। ठीक है, गाड़ी मरी आ गई रोड से नीचे, हालांकि रोड से नीचे आनी नहीं चाहिए। चले कोई नहीं, नेक्स्ट आगे आने जो रोड्स आने हैं ना पूनो पैरा मैप के रोड्स, भाई कमाल के रोड्स हैं। एक तो आपको मैप का भी साथ में एक रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहें फिर भी आप ये वीडियो देखने के बाद भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने वो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं आपको ये काफ़ी ज़्यादा मैप में आपको ये कवर करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने वे पॉइंट सेट किया है वो हमारा है जी 551 किलोमीटर आपको नीचे नज़र आ रहा है जी। अब हमारा रह गया जी 550 किलोमीटर अभी इस वक्त हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इंशाल्लाह अभी क्लियर करना है इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसके किलोमीटर्स बहुत छोटे हैं भाई। ठीक है, ये ना समझना कि 500 किलोमीटर है तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अभी नीचे आप देखते होंगे मैप के साथ ऊपर लिखा आ रहा है अभी 543 किलोमीटर रह गया, यानी कि 7 किलोमीटर हमने अपना सफ़र जो अपना क्लियर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी ऑफ रोडिंग वाला रोड आ गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मैप है आगे जो भाई अपना आने वाले ना टर्न आने वाले हैं, ख़तरनाक तरीन यू टर्न आने वाले। ठीक है, तो वही मुझे भी उनका इंतज़ार है और आप भी आई थिंक के थंबनेल, ज़ाहरी बात है जो मैंने थंबनेल लगाया वो तो उन्हीं यानी कि मोड्स पर आके लगाया ना, तो आप भी वही यानी कि थंबनेल देख के आए हैं तो आपको भी उसी टर्न का इंतज़ार होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखें जी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ गए जी, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारी गेम में। ठीक है, यहाँ ये इलाका ही ऐसा है जहाँ पर अपना ये रहती है बर्फ़बारी वगैरह, तो यहाँ पर हमें गाड़ी अपनी ध्यान से ड्राइव करनी पड़ेगी, कहीं हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो जाए। ठीक है,
ये भाई क्या हो गया यहाँ पे, कोई चीज ना नजर नहीं आ रही है अच्छे से। चलिए आप गुजरते हैं। अच्छा बस का आपको चेक करवाता हूँ जी। ये आपको बस की पहले तो आप इसका एक्सटीरियर चेक करना ना, एक्सटर्नल तौर पे आपको एक ऐसी लगती है ठीक है। फिर आपको इसका मैं इंटीरियर भी चेक करवाता हूँ ठीक है। ऊपर इसके आप चेक करें, बहुत एक ना अच्छी, यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढ के बस इंस्टॉल की है ठीक है। मुझे पर्सनल तौर पर अच्छी लगी, इस वजह से मैंने ये बस इंस्टॉल की है ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी बस के मूड में आपको इंस्टॉल करवाऊँगा ठीक है। बस के मूड के साथ ही मैं आपको, या इससे पहले ना मैं आपको एक जो वीडियो ना वो कैश वाली बना दूंगा कि आपने अपनी वीडियो में कैश कैसे ऐड करना है ठीक है। वो कैश आपको ऐड करने का बेनिफिट ये होगा, क्योंकि ज़ाहरी बात है जब आपने ये वाला ट्रक ऐड करना है, इसे ट्रक की यानी कि नेम दे सकते हैं आप, क्योंकि ये गेम का नेम यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 है ठीक है। तो जब ये आप बस ऐड करेंगे ना तो आपके पास ये वाला ट्रक आपके पास नहीं होगा, आपको ये वाला ट्रक बाय करना पड़ेगा ठीक है। तो ज़ाहरी सी बात है बाय करने के लिए आपको कैश की ज़रूरत होगी। अगर तो आपके पास कैश है तो फिर तो आपको मोड वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो भाई फिर आपको वो वाला मोड ऐड करना पड़ेगा कैश वाला ठीक है। जब आप कैश ऐड करेंगे उसके बाद आप अपना जो मोड वो एक्टिव करें ठीक है, कैश वाला भी और विद ये वाला बस वाला भी, और फिर आप अपनी बस को बाय करें और फिर इस वाली बस को आप इंजॉय करें ठीक है जी। तो इसकी मैंने स्पीड लिमिट भी ख़त्म की हुई है वैसे तो, यानी कि स्पीड लिमिट इसकी 90 होती है, लेकिन अब हमारी बस जो है वो 90 प्लस जाएगी, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ना ध्यान से ज़रा करनी पड़ेगी ड्राइविंग। चेक करें भैया आप कैसे रोड्स आ रहे हैं ठीक है। अभी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आएंगे, अभी तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो देखिए आपको पता चलेगा कि आगे कैसे कैसे भाई रोड्स आते हैं ठीक है। स्टीयरिंग व्हील के बगैर ही भाई बड़ा मज़ा आता है, अगर आप कंट्रोलर से खेलते हैं ना तो फिर भी बहुत कमाल का एक एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील है जिसके पास भाई उसकी तो फिर स्टीयरिंग व्हील की तो एक बात ही अलग है ना, स्टीयरिंग व्हील से तो मज़ा बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा हो जाता है ठीक है। गले में पता नहीं क्या अटक गया, अभी मैं खाना खाने लगा था, लेकिन मैंने सोचा पहले एक वीडियो बना लूं, क्योंकि पिछला जो वीक है उसमें वीडियोस हमारी कम आई हैं, इस वजह से वो मैंने वीडियोस भी सारी बात ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो भाई अगर गिव वे की बात करें ना ठीक है, तो जो भाई गिव वे में हिस्सा लेना चाहता है सबसे पहले तो भाई वो चैनल को करे सब्सक्राइब ठीक है, और एक एक आपने कमेंट करना है ज़्यादा नहीं ठीक है। जैसे ही हमारे 2K सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो गए ठीक है, उसके बाद हम एक भाई अपना गिफ्ट करेंगे एक ग्राफिक्स कार्ड ठीक है। और सेकेंडली जो आपको मैं गिफ्ट करूँगा वो है जी हमारा स्टीयरिंग व्हील ठीक है। स्टीयरिंग व्हील के साथ आपको पैडल्स भी मिलेंगे, प्लस शिफ्टर, और प्लस उसके साथ भाई हैंड ब्रेक वाला भी मैं कोई यानी कि सिस्टम लगाऊँगा ठीक है। यानी कि मैं तो नहीं लगाऊँगा, कोई हैंड ब्रेक वाला हम स्टीयरिंग व्हील अपना ढूंढेंगे ठीक है जी। उसके बाद भाई आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो है जी कि ये जो है हमारा जो गिव अवे वो कब होगा ठीक है। 2K पे हम करेंगे जी ग्राफिक्स कार्ड का ठीक है, तो उसके बाद फिर हम करेंगे स्टीयरिंग व्हील का ठीक है। वो मैंने ग्राफिक्स कार्ड से अपना सेव किया हुआ, उसके बाद हम सिस्टम का ही भाई गिव अवे करेंगे। जो भाई गिव अवे भाई लेना चाह रहे हैं ना, उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं ठीक है, आपने सिंपली एक कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ठीक है। अगर हमारे सब्सक्राइबर भाई जल्दी से इंक्रीज़ हुए ठीक है, यानी कि 2K फॉर एग्जांपल अगर हमारे हो जाते हैं कोई 2-3 महीने के अंदर अंदर, फिर तो यानी कि अच्छी बात है ठीक है। लेकिन अगर हमारे 2K लेट हुए तो फिर तो सारी बात है स्टीयरिंग व्हील का गिव अवे काफ़ी दूर चला जाएगा। अगर हमारे 2-3 महीने के अंदर 2K से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 3K या 4K तक चले जाते हैं, तो फिर हम मैं दोनों चीज़ों का जो है ना गिव अवे, ग्राफिक्स कार्ड और अपना स्टीयरिंग व्हील दोनों का गिव अवे में मैं अपना एक साथ ही करूँगा ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा जी हमारे पास हमारा PC ठीक है भाई।
پی سی کا بھی گیو اوے ہوگا، ٹھیک ہے، لازمی پی سی کا بھی میں گیو اوے کروں گا، تو آپ نے بس سمپلی چینل کو بھائی سبسکرائب کر کے رکھنا ہے، اور جو ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں نا اپنا نوٹیفیکیشن آن کر کے آپ نے آل ویڈیوز واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ گیو اوے ہمارا کب ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی بچ گئے بہت مشکل سے، اگر ہماری بس یہاں سے اپنا ہو جاتی نا کریش ہو جاتی تو بھائی بہت مسئلہ بننا تھا۔ روڈ سارا خراب ہے نا یہ والا، جس کی وجہ سے نا بس ہماری یہاں پہ بھی سلپ ہوئی ہے۔ تو پی سی بھائی اچھے والا ہوگا، گرافکس کارڈ بھی اچھے والا ہوگا، اور سٹیئرنگ ویل بھی، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی لوکل چیز نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جلدی سے 5K کروا دیں میرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اسی ایئر میں ہو گئے نا، چلے 5K تو شاید اپنا یہ جو منتھ ہے نا یہ جا رہا جی اپریل کا، ٹھیک ہے، اگر ہمارے دسمبر تک بھائی، ٹھیک ہے، دسمبر تک نہیں، دسمبر نہیں، دو دسویں مہینے تک، مجھے نومبر دسمبر اکتوبر اکتوبر تک اگر ہمارے ہو گئے نا بھائی 5K سبسکرائبرس، ٹھیک ہے، تو پھر تو یعنی کہ مجھے پتہ چل جائے گا نا اس حساب سے کہ ہمارے سبسکرائبرس کی سپیڈ کیا ہے انکریز ہونے کی، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی آپ کو پی سی بھی گیو اوے کروں گا، ٹھیک ہے، نہیں پی سی نہیں 5K پہ کریں گے بھائی اپنا ہم یہ والا جو ہے ہمارا اسٹیئرنگ ویل، ٹھیک ہے، 2K پہ ایک ملے گا آپ کو گرافک کارڈ، 5K پہ ملے گا آپ کو یہ اسٹیئرنگ ویل، ٹھیک ہے، اور 10K پہ ہم کریں گے سسٹم، کیونکہ سسٹم اچھے والا کروں گا، وہ نارمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور گرافکس کارڈ جو بھی چیز بھائی آپ کو دوں گا نا اچھی کوالٹی کی دوں گا، یہ نہیں کہ نارملی ہمیں کوئی بھی اٹھا کے دیتی، نہیں بھائی، جس میں کم از کم GTA 5 اچھی کوالٹی کی انشاءاللہ رن ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا کام GTA 5 سے زیادہ، تو آپ کو میں ایسا ہی ایک اچھا گرافکس کارڈ ہوں گا جس میں GTA 5 اچھی طرح رن کرے، ٹھیک ہے، اور 1GB 512 MB کی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اچھی کوالٹی کا یوز کریں گے، آلموسٹ کم سے کم 2GB تو کم سے کم ہونا چاہیے نا گرافکس کارڈ، ٹھیک ہے، تو 2GB ہم یوز کریں گے، تو بس آپ نے چینل کو بھائی سبسکرائب کر کے رکھنا ہے، اور گیو اوے میں آپ نے حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اس وقت ہمارے ہیں آئی تھنک 1267 ہے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے بس سبسکرائبرس انکریز کروائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کے بھائی کتنے گیو اوے دیتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ تو میرے چینل مونیٹائز نہیں ہے، میں پھر بھی آپ کو گیو اوے کر رہا ہوں، جب انشاءاللہ مونیٹائز ہوگا نا پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنے مجھ سے گیو اوے ہو سکے بھائی وہ میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے جی، بس بھائی یہاں پہ آ کے بس اٹکی، پیچھے سے بھائی ساتھ لگ گئی، اب اس کا آئی تھنک کوئی حل نہیں ہے، انجن مینوفیکچر، ٹھیک ہے جی، ابھی آئی تھنک وزٹ اپنا ٹو کرنی پڑے گی بس، نہیں نہیں نکل جائے گی شاید، نکل گئی بھائی بس، ٹو کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں، چلیے یہ بھی اچھی بات ہے، ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو سفر ہمارا رہ گیا جی ہمارا 411 کلو میٹرس، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ رستہ کچھ ایسا خطرناک سا ہے، ورنہ تو یہ سفر تو ایم ہی کلیئر ہو جاتا ہے اگر ہم یورپ کے روڈ استعمال کریں نا جو ہیں اوریجنل، یہ تو ابھی اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں پونو پیرا موڈ جو ہمارا میپ ہے وہ والا ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں یورپس کے روڈز ہوتے بھائی وہ ایسے ہی کمپلیٹ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، یہ یار کی ایرر آ گیا، چلے کوئی نہیں ہمیں ایرر سے کیا،
اچھا وہ دیکھیں ہم نے ہماری بس تھوڑی سی اپنا گئی نا ریورس ہوئی ہے تو اس گاڑی نے بھی فوراً پیچھے کر لی ہے. یہی اس میں ایک مجھے ریئلسٹک اور اچھی چیز لگتی ہے کہ ہماری جو ڈرائیونگ ایکسپیرئنس ہے نا وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اس سے, اور جو گیم کا ہے اپنا مزہ بھی وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سفر تو بھائی ابھی ہمارا کافی زیادہ پڑا ہے, کوئی نہیں اگر ہماری ویڈیو زیادہ بڑی ہوئی تو ہم جو ہمارے فسٹ وے پوائنٹ ہے وہیں پہ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم نے ریسٹ کرنی نا, گھر نہ آ جائیں گے بھائی اگر ویڈیو زیادہ بڑی ہوگی تو. کوئی نہیں اسے میں گھر چھوڑ آؤں گا, ایک تو سوتا بہت زیادہ یہ, جب اس کو نیند آتی ہے نا تو بھائی اسکرین بلیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ایشو کرتا ہے پھر یہ. جب اسکرین جب تک یہ دوبارہ یعنی کہ تھوڑے سے جو ہوتے ہیں نیند کے جھٹکے ڈوزنگ جسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آگے آپشن بھی آ جاتا ہے تو پھر بھائی جب یہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو گاڑی کہیں نہ کہیں ہٹ ہوئی ہوتی ہے اور بہت برے طریقے سے ہٹ ہوتی ہے. گاڑی پھر سلپ ہونے لگی تھی لیکن چلے سیف لینڈنگ ہو گئی ہماری. روڈز بھائی آپ چیک کریں, میپ تو واقعی انسٹال کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا تو میں اسکائی بٹن میں بھی لنک دے دوں گا, تو آپ سمپلی جائیں وہاں پہ جا کے اس کو آپ انسٹال کر لیں اس موڈ کو, ٹھیک ہے. تو ابھی اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں, یہاں پہ روڈس تو ہیں ہمارے خطرناک لیکن یہاں پہ نا ٹریفک نہیں ہے اور یہ بس کی اسپیڈ بھی کم ہے, یہ بھی ایک دو نا ہیں ہماری جو اس میں کمی, وہ بھی میں کلیئر کروں گا. اذان ہونے لگ تھا, ٹھیک ہے, اذان کا احترام بھی کرنا چاہیے ویسے بھی, پر بس یار ہماری یہاں پہ آ کے نا مسئلہ کرنے لگ گئی. چیک کریں بھائی ہم کہاں سے آئے ہیں, روڈ چیک کریں, یہ اس وقت ہم برج پہ ہیں, اگر یہاں سے بھائی ہماری بس گری تو کافی نقصان ہونے والا ہے. گرنے لگی بھائی بس ہماری, چلیں آپ یہ بھی نظارہ چیک کر لیں, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں جب گرتی ہے بس, کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں آتا, ویسے سائڈ پہ بتا رہے تھے کہ کتنی آپ کی بس میں ڈیمیج ہو گئی ہے. چلیں جی ہو گئی ہماری بس نیچے, 100% ڈیمیج بھائی. یہ ہے جی ہماری بس, کوئی سکریچ نہیں آیا لیکن ڈیمیج 100% ہوئی ہے. اچھا جی یہاں پہ چلتے ہیں F7 پہ, F1
अब यहाँ से इसे करना पड़ेगा टो टू सर्विस, ठीक है, जहाँ पे सर्विस सेंटर ये हमारी बस वहाँ पे चली जाएगी, वो जैसे भी लेके जाए क्रेन के थ्रू या जैसे भी, ठीक है। यूरो उन्होंने हमसे ले लिए हैं, यहाँ पे भी शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई 1 से 2 मिनट। तो अभी यहाँ पे यार बस को रिपेयर करके ना यहीं से हम अपना वीडियो स्किप करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह आपको 2 मोड्स हैं वो इंस्टॉल करवाने हैं, उसके बाद फिर कुछ हम करेंगे, ठीक है जी, अपना गेम प्ले वगैरह। ले जी यहाँ पे हमारी बस आई, क्योंकि इनका सर्विस सेंटर भाई बहुत गलत जगह पे है, ठीक है, और नीचे हमारे आए थे क्योंकि बंदा आया, गाड़ी आ गई है, ठीक है। तो चलें यार यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।